दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके और इस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आप हमारी सारी लेटेस्ट रेसिपीज सबसे पहले देख सकें। नमस्कार, दीपास कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है शाही शक्करपारे, जिसे हमने बनाया है फ्लावर डिजाइन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शाही शक्करपारे बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया है, तो इसको हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। मैदे को हमने अच्छे से चाल लिया है। इसमें डालेंगे हम 100 ml हमने लिया पे सनफ्लावर ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं या घी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें कोई ऑयल से मतलब आपको रिफाइंड ऑयल ही लेना है। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब मोहन हमारा सही पड़ा है। इसमें हम डालेंगे एक चुटकी नमक, जो कि ये मीठेपन को बैलेंस करेगा और स्वाद भी इसका अच्छा हो जाएगा। इसको मिला लेंगे अच्छे से। और हमने यहाँ पे लिया है 100 ml पानी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथ लेंगे। पूरी की तरह में गूंथना है इसे। आटे को हमने गूंथ लिया है। अब इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे और तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। हमने एक बड़े पैन में 400 ग्राम शक्कर डाली है। इसमें हम डाल देंगे 200 ml पानी और पानी को हम बॉईल होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। उबाल आएगा। इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon नींबू का रस है। इसको डालने से चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। और यहीं पे हम डाल देंगे 5-6 धागे लिए केसर के और 1/2 teaspoon छोटी इलायची का पाउडर है, ये डाल देते हैं। केसर से इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही अच्छा आएगा। ये आपके लिए ऑप्शनल है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और चाशनी हमें इसकी एक तार की ही बनानी है, तो लो फ्लेम पर ही इसको हम पकने देंगे। चाशनी हमारी बन के देखिए तैयार हो गई है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हम चम्मच पे लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। देखिए इस तरह से तार बनना चाहिए। चाशनी बन के तैयार है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब आटे को हम चेक कर लेते हैं। इसको एक बार और इस तरह से मसल के गूंथ लेते हैं। अब इसकी हम लोइयां काट लेते हैं। अब लोई बनाकर हम इसे ओवल शेप में बेल लेंगे। देखिए इसको इस तरह से बेल लिया है और हमने एक लिया है जार की कैप ली है, इससे हम कटिंग करेंगे इसकी। तो ये गिलास से थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको लिया है। आप गिलास भी ले सकते हैं। इन दोनों को हम बीच में बिल्कुल सेंटर में इस तरह से चाकू से कट कर देते हैं। और इस तरह भी कर देंगे। इसके हम 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। हमने देखे कि सारे पोर्शन अलग कर लिए। अब इनको हम एक एक करके इस तरह से असेंबल करेंगे। एक ऊपर एक हमें इस तरह से रखेंगे। हमने देखे इसको इस तरह से रखा है। अब पेंसिल से इसको हम इस तरह से बीच में हल्का सा दबाव दे देते हैं, निशान लगा देते हैं।
अब फोर्क से दोनों साइड में निशान लगा देंगे। हमने एक छोटी सी लोई ली है, इसको इस तरह से रोल कर लेते हैं और इसके ऊपर रख के इसको इसी के साथ में फोल्ड करते जाएंगे। देखिए इस तरह से देखिए फोल्ड किया हमने, और 20 सेंटर में इसको इस तरह से निशान लगा देंगे हम, और हम चाकू से इसको इस तरह से काट देते हैं। अब इसकी पंखुड़ियों को इस तरह से हम खोल लेंगे। इस तरह करके हम बाकी फ्लावर्स को तैयार कर लेंगे। थोड़े से फ्लावर्स बना के तैयार कर लिए हैं, और इधर हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल रखा गर्म होने के लिए। रिफाइंड ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे गर्म कर रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब यहाँ पे हम लो से मीडियम फ्लेम पे फ्लावर्स को फ्राई करेंगे। धीरे से इसको इस पे रख देते हैं। हमें इन्हें तुरंत नहीं छूना है, जब ये तैर के ऊपर आने लगेंगे तब इनको हम धीरे धीरे चम्मच से एक एक करके पलट लेंगे, क्योंकि सभी ऊपर आ गए हैं। अब इनको हम चम्मच से इस तरह से पलट लेते हैं, और दूसरे साइड से इनको हम फ्राई करेंगे। हमें इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। हमने सभी फ्लावर्स को लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है, और इधर हमने एक तरफ चाशनी में हल्की घुंघनी कर ली है, तो इसी में हम इसको डालते जाएंगे। इस तरह से किनारे पे हम कढ़ाई के किनारे करते हुए एक्स्ट्रा तेल जितना भी होगा इसका निकाल देंगे, और इसी में डिप कर देंगे। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स बनके तैयार हुए हैं। चम्मच से हम चाशनी को इसके ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे हर फ्लावर्स के ऊपर। और 1 मिनट के लिए इसको हम चाशनी में ही छोड़ देंगे। इसे 1 मिनट हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। हमने फ्लावर्स में पिस्ते से गार्निशिंग कर दी है। देखिए कितने सुंदर ये फ्लावर शकरपारे बनके तैयार हुए हैं। अगर आप इन्हें अपने मेहमान के सामने रखेगा तो वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। बहुत ही सुंदर बने हैं ये शाही शकरपारे बनके तैयार हैं। इसे आप 15 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।